साइड। ओ देखो स्कूटी वाले भैया ने कैसे और ये पकड़ी है हमने धमाकेदार स्पीड। वो ओ भाई क्या एग्जॉस्ट है भाई, कौन सा है? अबे इसका नहीं है, इसका है। एक नंबर भाई एग्जॉस्ट। चल बाय। हाँ चलो कोई नहीं, है ना? आओ पापा जी में। चलो आओ डीपी में। आओ मुझे चेरी की तरह मेरा चेरू और मेरा बच्चा भाई चीकू चीकू भाई भाई मेरा बच्चा भाई मस्ती करना मेरा छोटू। ओए इधर भाई साहब लगेज बहुत ज़्यादा है यार। एक तो ऑलरेडी इतना भयानक लेट हो चुका हूँ मैं। इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके जी जी बिल्कुल, आराम से जाऊँगा बिल्कुल। बाय मेरी जान, बाय। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ज़्यादा परेशान मत करना। भाई साहब इस प्रकार हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। ये फर्स्ट जर्नी होगी जो काफ़ी लंबी होगी मेरी, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की होगी। तो 700 किलोमीटर में कंटिन्यू तो शायद ही कर पाऊँगा। फर्स्ट ब्रेक लेंगे हम इंदौर में, एग्जॉस्ट लगवाएंगे। उसके बाद विंड स्क्रीन का पूछते यार। विंड स्क्रीन मेरे को ब्लैक लगवानी है, लेकिन स्मोक ब्लैक मिल गई है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मिलती है तो ठीक, अदरवाइज़ फिर कभी लगवा लेंगे। और फर्स्ट सर्विसिंग भी कर लेंगे क्योंकि गाड़ी का रन ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हो चुका है। कर लीजिए फुल। सर ये पार्क? हाँ सर। कितने की है? सर ऑन रोड तो 12 तक जाएगी। हाँ 936 समथिंग है शोरूम। 1.25 लाख का महाराष्ट्र का टैक्स लगेगा। महाराष्ट्र से हूँ मैं। अच्छा इसका टैक्स होगा? हाँ सर सब गाड़ियों का लगता है। तो एवरेज 30 का देती होगी? नहीं एवरेज 25 का देती है। अगर थोड़ा तूफान चलाओ तो फिर 20 का देती है। हर आदमी चला भी सकता है इस गाड़ी को? ऐसा कुछ नहीं है, सभी चला सकते हैं। बस जयसवाल हो आप? अरे वाह, कहाँ रहते हो सर? रतलाम में। बढ़िया, रतलाम मेरी ससुराल है जी। यार इन दोनों की ओवरटेक कंपटीशन चल रही है ना, ये आगे जा रहा है ना ये आगे जा रहा है। भाई साहब तुम्हारे चक्कर में ना हम लोग कहीं नहीं जा पाते। अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर इन लोगों को स्लो चलना है तो ये लेफ्ट साइड क्यों नहीं लेते यार, फालतू में, है ना? तो भैया हमारा शोरूम है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर। लेकिन 12 किलोमीटर के लिए गूगल माता बता रही है 35 मिनट, मतलब कि बहुत ट्रैफिक लगने वाला है, बहुत गंदा वाला। ऐसे टाइम पता है अपने मोपेड बाइक की या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की याद आती है। ऐसे निकल जाती है ना, जुई जुई जुई। वैसे निकालना चाहो तो ये भी निकल जाती है, लेकिन फिर कोई सेंस बनता नहीं है। 2 सेकंड के लिए स्पीड पकड़ ली, फिर अगले वाले 2 सेकंड ब्रेक मारो, फिर अगले 1-1.5-2 मिनट धीरे चलो, फिर 2 सेकंड के लिए स्पीड पकड़ ली। यार यार फिर है ना आजू बाजू वाले लोग भी बोलते हैं छपरी है साला। शांति मिली भाई, 32 सेकंड का सिग्नल है। तब तक हम जरा हमारे हाथों को रिलैक्स कर लेते हैं। यार कल सुबह ना मैं तड़के निकलूँगा, सूरज निकलने से पहले। अबे सूरज छोड़, अंधेरे में निकल जाऊँगा। इतनी ट्रैफिक लगनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो ट्रैफिक नहीं चाहिए यार। अपने को ट्रैफिक नहीं सही जाती। मैं सोचा था कि है ना शाम को जैसे एग्जॉस्ट लग जाएगा मैं इंदौर के गलियों में गुई 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 करके घूमूंगा। अबे नहीं करना गुई गुई, मेरे को साला एक होटल ले लूँगा, होटल के पार्किंग में गुई गुई करके सो जाऊँगा। नहीं जाना भाई साहब ऐसे ट्रैफिक में, माँ कसम। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर मोर। 7 किलोमीटर के लिए भाई ये 23 मिनट बता रहा है। और देखो यार सब साइड से निकलते जा रहे, दुख होता है ऐसे समय पे। काश मेरे पास भी ऐसे कोई होनी चाहिए ना ऑप्शन। मेरे को बताओ, इतना सारा पैसा देते हैं हम सुपर बाइक के लिए, इन्होंने एक बटन देना चाहिए। बटन दबाते से ये मोपेड में कन्वर्ट हो गई, बटन दबाते से सुपर बाइक में कन्वर्ट हो गई। ऐसा कुछ होना चाहिए यार। इतना पैसा ले रहे हो, 50,000 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन फैसिलिटी दे दो अगली बार। घुस जा भाई, तू साइड से घुस जा। मैंने ना एक काम करना चाहिए, मैंने अभी लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए क्योंकि मैं चल रहा हूँ अभी है ना रोड्स के एकदम बीचों बीच। तो मुझे खतरा दोनों साइड से है, इधर जो जाने वाले इससे भी, इधर जो जाने वाले इससे भी। अब दोनों को चूल मची होगी कि हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। दोनों के चूल में ना मेरी भूल मुझे भारी पड़ सकती है। सो अभी धीरे धीरे हम हमारा लेफ़्ट साइड। ओ देखो स्कूटी वाले भैया ने कैसे। अरे बच गया रे साला, गाड़ी तो बच गई लेकिन पता है मेरे पैर से गाड़ी ले गया वो कार वाला। हद होती है, बोल ही रहा था मैं सेंटर में मत रहे, साइड में निकल, साइड में निकल। और क्या भाई बड़ी प्यारी स्माइल दे रहे हो यार। मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी बंद कर लूँ, सामने जो डंडा है ना डंडे को पकड़ लूँ, ये डंडा अपने आप ही मुझे खींच के ले जाएगा। साला गाड़ी का पेट्रोल भी बच जाएगा और मेरी इतनी जो मेहनत लग रही है ना, अंकल नहीं, इतनी जो मेहनत लग रही है ना वो भी बच जाएगी। निकल ले भैया, साइड में निकल ले, लेफ्ट साइड से मार दे, ये जाने नहीं देंगे तेरे को। ओ थोड़ी तो सांस आई भाई। भाई मज़े आ गए, मज़े आ गए निकल के, अच्छा लगा। इंदौर में तो बड़े खतरों के खिलाड़ी है यार। ये देखो पहले उस ऑटो वाले ने बम्बू दे रखा था ऊपर, और ये देखो यहाँ अंकल अभी 2-3 पाइप लगा के जा रहे। पकड़ लो क्या इस पाइप को, फिर से अपना पेट्रोल बच जाएगा। अभी यहाँ से है ना रोड हमें एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। और मेरे बाजू में जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ बस के लिए बना हुआ रोड है, मतलब जो गवर्नमेंट की बसेस होती है ना उनके लिए। यहाँ अदर व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इससे है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो जाता है। जो कि हाँ हाँ भाई ओके जाओ, हमने थोड़ी ना रोका आपको। हाँ एंड द सेकेंड थिंग इज़, इस जगह से पुलिस के व्हीकल्स और एम्बुलेंस भी जाते हैं। नाइस ना, मतलब एम्बुलेंस को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। चलो अभी हम निकलते हैं फटाफट। ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही चुका हूं विजयनगर में। अब हमें ऐसे ही रोड मिलने वाला है, एकदम नीट एंड क्लीन। बस भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो, और सिग्नल पे रोकते रहो। पता चला रोका ही नहीं भगाने के चक्कर में। हाँ भाई पता है सिग्नल शुरू हो गया है, हॉर्न मत मारो। जब तक आगे वाले जाएंगे नहीं तब तक तो मैं जा नहीं पाऊँगा ना। क्या सेंस बनता है हॉर्न निकालने का। बस यार जाने से पहले यूँ ना हो कि तो दूसरा सिग्नल लग गया। अरे निकाल भाई निकाल दीदी, तब भी मैं बोलूँ इतनी स्लो क्यों जा रही है सी। आज दीदी गाड़ी चला रही है तो स्लो ही जाएगी। पकड़ लिए हमने हमारे लेफ़्ट साइड, और ये पकड़ी है हमने धमाकेदार स्पीड। वो ओ भाई क्या एग्जॉस्ट है भाई, कौन सा है। अबे इसका नहीं है, इसका है एक नंबर भाई एग्जॉस्ट। ये कौन सा शोरूम है, बेनेली। वो भाई साहब बेनेली का शोरूम है, मुझे लगा बेनेली तो बंद हो गई है यार, तो विजिट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि बेनेली चालू है। अभी जस्ट आने ही वाला है हमारा शोरूम। भगाओ भगाओ भगाओ, कहाँ पे है कहाँ पे है। हाँ दिख गया, फाइनली दिख गया भाई हमारा शोरूम। अब मुझको लगता है कि इसको मेरे को यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। वाओ क्या सेक्सी दिख रही है, देखो सामने के ग्लास में। ओहो हैंडसम दिख रहा हूँ ना मैं। हाँ पता है शक्ल नहीं दिख रही बट हैंडसम दिख रहा हूँ, बात को समझ लो। हैंडसम हूँ तो हैंडसम दिखूँगा भाई। पता नहीं ये एग्जॉस्ट क्यों मुझे इतना सता रहा है सच में। अगेन बैड न्यूज़, बोलते कि एग्जॉस्ट अब तक आया ही नहीं है। मुझे नहीं जाना यार बिना एग्जॉस्ट के, नहीं जाना। बाकी सर्विसिंग तो हो जाएगी बट बिना एग्जॉस्ट के नहीं जाना मुझे। सो होटल की बुकिंग भी हो चुकी है। किस्मत इतनी अच्छी कि जस्ट होंडा बिग विंग के पीछे मुझे होटल मिल गया है। और अभी फटाफट एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं, होटल जाके फ्रेश होते हैं और सारा लगेज रख के फिर आते हैं। क्योंकि यहाँ बैठ के आराम से देखेंगे सर्विस होते हुए एग्जॉस्ट लगते हुए। एग्जॉस्ट तो मिल ही गया है, आपको दी कि नहीं मुझे भी नहीं पता खबर, बट एग्जॉस्ट आ जाएगा। ये देखो ये रहा अपना ओयो और ये रहा होंडा का शोरूम। नाइस। मैं अभी जैसे ही सर्विसिंग हो जाएंगे मैंने कहा आप आवाज़ दे दो, 1 सेकंड में आ जाऊँगा। एंड क्या मेहमान नवाजी होंडा वाले सच में। अब ये शोरूम में है या कहाँ है पता नहीं। वैसे भी एमपी के लोग थोड़ा होते हैं मेहमान नवाजी में, 4 कदम आगे होते हैं, बहुत फैमिली वाली फीलिंग देते हैं। अजीब हुत्यापा मजा रखा। आते से ही बंदा बोलता है कि नहीं लो टैरिफ में आपका बुकिंग हो चुका है, इतने कम में होगा नहीं। कस्टमर केयर से बात कीजिए या फिर रिमेनिंग अमाउंट पेड कर दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट वॉज जस्ट 400। ठीक है कोई नहीं, बहस करने का टाइम था नहीं। फटाफट फ्रेश होते, थोड़ी बहुत एडिटिंग करते, 5 बजे शोरूम जाते। सो ऐसा कुछ है हमारा रूम। जैसे एंटर होते ये बेड जिस पर बहुत सारे दाग है। बाकी मैंने मेरा सामान पूरा इधर पटक दिया है क्योंकि अभी मेरे पास स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है मैं इसे ढंग से रखूँ। और इधर कब्बड़ है जो कि बहुत गंदा है। और फ़ैन की स्पीड देख लो भैया, ये अभी फ़ैन चल रहा है 4 की स्पीड पे। देखा ये 4 की स्पीड है ठीक है, और ये है 5 की। बस 5 पे एकदम दमदार चलेगा। या तो आप फुल ठंड में रहो या तो आप फुल गर्मी में रहो, बीच वाला हमारे पास कोई जुगाड़ है नहीं। और ये रहा वॉशरूम, और इसकी खास बात पता है यहीं पर आप हैंड वॉश कर लो। और हैंड वॉश करते से सिंक का जो नीचे वाला पाइप है आउटलेट पाइप है ही नहीं, यहीं पर आप नीचे से पैर कर लो, यहीं पर आपके पैर भी धो दो। टाइम की बचत कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप अलग से हाथ धोओगे फिर अलग से आपके पैर धोओगे, उसमें 2 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। सो यहीं पे पानी स्टार्ट कर दो, यहीं पे हैंड वॉश करो और नीचे पैर रख दो, दोनों काम एक ही बार। अपने पास कुछ करने के लिए है नहीं तो चुपचाप हम करेंगे एडिटिंग। फैन के रिगार्डिंग अभी जस्ट मैंने फ़ोन लगाया कि फैन तो बाकी स्पीड पे चल ही नहीं रहा है और 5 की स्पीड पे बहुत दम से चल रहा है। बोलता है रूम है पैक और सारे फैन ऐसे ही चलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू। बहस करके फ़ायदा है नहीं, क्यों फालतू में खुद का मूड ख़राब कर लो। ड्राई फ्रूट्स भूख तो लगी है लेकिन ठीक है, ड्राई फ्रूट से काम चला लेंगे क्योंकि एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी 4-5 ब्लॉग पड़े हुए हैं जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। इट्स 5:15 इन द इवनिंग और एडिटिंग मेरी हो चुकी है। एडिटिंग मतलब सिर्फ मैंने इंट्रो किया है, अभी बहुत अच्छा इंट्रो बना है, मुझे तो पसंद आया। ऑब्वियसली अपनी चीज़ अपने को पसंद आएगी और मैं इंस्टा पे फेसबुक पे इसका इंट्रो शेयर भी करने वाला हूँ। अगर आप तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करो। भूख लगी है बहुत भयानक वाली, सिर्फ मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए सुबह से तो अब नॉइजी ऐसा होने लगा है। वो जो मिठास जो होती है ना ड्राई फ्रूट की वो अजीब होती है। अब ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग हो जाएगी, फटाक से बाहर जाके कुछ खाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सज-धज के जाएंगे, एग्जॉस्ट लगने वाला होगा। शोरूम जाते सिचुएशन को समझते हैं। ये पता है शूज़ पहनने के ना अलग से ही चोचले होते हैं और ये लेफ्ट वाले पैर को थोड़ा सा काट भी रहा है सामने फिंगर पे, पता नहीं क्यों। मे बी यूज टू होने में टाइम लगेगा। एंट्रेंस जो है ना इतनी गजब करिए, लगता है कि बहुत प्यारा होटल है बट एक्चुअली डिबी क्लियर नहीं है क्या, है ना? ये होता है ना डिबी क्लियर। हाँ ये है। अच्छा, सो ये रिमूवेबल है, निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। दिस वन इज डिबी क्लियर। इसको रखेंगे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट आएगा साउंड। इसको जैसे निकालेंगे बेस बढ़ जाएगा। वो ट्रायल हम लगने के बाद करते हैं। सो दिस वन इज़ रेडिएटर ग्रिल, जो कि मैंने ये है आर एन जी की है ना, ये आर एन जी की है लेकिन मैंने रेट्रो क्रॉस की लगा रखी है। रेट्रो क्रॉस और आर एन जी में डिफरेंस इतना ही, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है रेट्रो क्रॉस, बाकी रेफर आर एन जी करते हैं लोग। और फ्रेम स्लाइडर भी मैंने रेट्रो के ही लगा रखे। ये है अपना सीट कवर, लेकिन ब्लैक कलर में हमें चाहिए रेड, जो कि है नहीं। थैंक यू। कम शुगर जी, रेड कलर होनी चाहिए यार, रेड कलर ज़्यादा जाता है। बिल्कुल रेड ज़्यादा जाता है लेकिन क्या काफ़ी टाइम से ऑर्डर में लगे हुए हैं वो। अच्छा, जो कि कुछ समय में बहुत जल्दी आने वाले हैं। होटल एंड जिसका डर था वही हो गया। एग्जॉस्ट तो आ गया लेकिन जो टेक्नीशियन है वो बीमार हो चुका है। आया था वो 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के बाद शायद उसकी सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गई तो छुट्टी ले ली। अब सुपर बाइक का ऐसा होता है ना कि किसी भी टेक्नीशियन से काम नहीं करवा सकते, उसके एक एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं से काम किया जाता है। सो कोई चांस नहीं है अभी। मॉर्निंग में 9:30 बजे तक काम चालू हो जाएगा, 12-1 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं, फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि आगे जो मैं स्टे कर रहा हूँ उसको 100 किलोमीटर पीछे करना पड़ेगा। सोच रहा था कि वाशिम जाके रुक जाओ, वहाँ पर एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है उससे मिलूँ, बट अब वो नहीं हो पाएगा। वैसे मैं कल भी निकलता तब भी चल जाता लेकिन मैं निकला ही इस बेसिस पे था कि जल्दी निकलूँगा तो घर जल्दी पहुँचूँगा एक दिन, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब लगी है दबा की भूख और व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, क्योंकि बाहर जाने से रहा मैं, स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी खा के सो जाएंगे, एडिटिंग करेंगे, अगर हो सके तो व्लॉग को ख़त्म करते फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग में आराम से उठ सकते हैं 8-9 बजे तक, कोई टेंशन वाला काम।